अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे, मैं आपको खुशामदीद करती हूँ प्रोग्राम सेहत आपकी में। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम के ज़रिए हम कोशिश यही कर रहे हैं कि एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में आपको एजुकेट करना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी बीमारी के बारे में जानकारी हासिल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका जो भी बीमारियां होती हैं, कुछ कुछ बार ऐसा होता कई बार कि बहुत सारी बीमारियां बहुत सीरियस रहती हैं लेकिन आप उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, और कई कई बार कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो उतनी सीरियस नहीं होती लेकिन आप खामखा परेशान हो जाते हैं कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो अगर आपको जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जितनी ज़्यादा जानकारी आप हासिल करेंगे कोई भी बीमारी के बारे में, उसके लिए वो आपके लिए बेहतर ही होता है, ख़ुद आपके लिए, आपकी फ़ैमिली के लिए। क्योंकि जितना आप हमारे डॉक्टर्स आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, अगर आप उस पर अमल करने लगेंगे तो आप ख़ुद अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे फ़र्क देखेंगे, अपनी हेल्थ में बहुत ज़्यादा फर्क देखेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है, हमने इस पर पहले भी गुफ्तगू की है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, इसलिए हम दोबारा इस पर रोशनी डाल रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं आस्थमा और एलर्जीज़ के ऊपर। इस पर हमने पहले भी गुफ्तगू की है, लेकिन जब भी हमने बात की, एक जनरल फिजिशियन ने आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी, लेकिन आज हमारे स्टूडियो में एक आस्थमा और एलर्जी स्पेशलिस्ट हैं, ख़ासतौर पर ये वक्त निकाल कर हमारे प्रोग्राम में आए। हमारे साथ आज स्टूडियो में हैं डॉक्टर वी विष्णुन राव, जो कि एक नेशनल अवार्ड विनर हैं इन आस्थमा एंड एलर्जीज़, और डॉक्टर साहब एलर्जी और आस्थमा के स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब का ताल्लुक स्वासा हॉस्पिटल से है, जो लिबर्टी सेंटर हिमायत नगर में है। तो डॉक्टर साहब खासियत रखते हैं आस्थमा और एलर्जीज़ में, चेस्ट डिजीज़ जो होते हैं, पल्मोनोलॉजी जो होती है, उसमें खासियत रखते हैं। तो आज के प्रोग्राम का मैं चाहती हूँ आप पूरी तरह से फ़ायदा उठाएं। जो भी आपके सवाल हैं आस्थमा एलर्जीज़ से रिलेटेड, आप कॉल कीजिए, क्योंकि डॉक्टर साहब एक स्पेशलिस्ट हैं एलर्जीज़ और आस्थमा में। जैसे मैंने बताया, वो नेशनल अवार्ड विनर भी हैं। तो आप जो भी कॉल करेंगे, अगर टॉपिक से रिलेटेड कॉल कीजिए, जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन आप कुछ लेना चाहते हैं इस बीमारी में, अगर आप मुबतला हैं तो आप समझ सकते हैं, दम्मे की जो बीमारी होती है, जो इसमें मुबतला है वो समझ सकते हैं कि किस तरह की तकलीफ़ उन्हें रहती है। क्योंकि अगर आप सोचिए, आप सांस लेने में अगर आपको तकलीफ़ हो जाए तो किस तरह की आपकी ज़िंदगी हो सकती है, किस तरह से ये असर डालता है आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ में। हम डॉक्टर साहब से तफसील से जानेंगे डिफ्रेंस क्या है एलर्जीज़ और आस्थमा में, और नॉर्मल जो सर्दी रहती है क्या ये आस्थमा में लीड हो सकती है आगे जाके अगर ख्याल ना रखा जाए, किस तरह के एडवांस ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं आस्थमा में, क्योंकि डॉक्टर साहब एक स्पेशलिस्ट हैं एलर्जी और आस्थमा में। तो मैं चाहती हूँ आप हमें कॉल कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी इन्फॉर्मेशन आप हासिल करना चाहते हैं आस्थमा और एलर्जी से रिलेटेड, आप कॉल कर सकते हैं। चलिए बिना कोई वक्त ज़ाया किए डॉक्टर साहब का वेलकम करेंगे और उनसे जानेंगे आस्थमा के बारे में। हेलो डॉक्टर। हेलो, मैं आपको वेलकम करती हूँ हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया आप अपना कीमती वक्त निकाल के आप आए हमारे नाज़रीन को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, आप नेशनल अवार्ड विनर हैं, आप खास स्पेशलाइज करते हैं आप एलर्जी और आस्थमा में, तो आप हमारे नाज़रीन को ये बताइए सबसे पहले कि ये जो दम्मे की बीमारी होती है, जो आस्थमा है, ये क्या होता है, आप थोड़ा तफसील से हमारे नाज़रीन को बताएँ। सब लोगों को आदाबर से, स्वासा हॉस्पिटल के तरफ से, एलर्जी आस्थमा जो प्रॉब्लम है बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। एलर्जी आस्थमा दम्मा का प्रॉब्लम है, सांस लेने में और छोड़ने में बहुत तकलीफ़ होते हैं, बच्चों के लेके बड़ों तक, हर एक सीज़न में, ये विंटर हो, मानसून हो, समर हो, कभी भी, वो मेल हो फीमेल हो, ये सफरिंग ज़्यादा रहते हैं। ये सर्दी होना, जुखाम और छींकना और खांसी, बलगम, छाती ऐसा पकड़ना, इसको हम आस्थमा बोलते हैं। एक ये इंस्ट्रूमेंट से बोले तो ज़्यादा समझ में आएगा। सो हमारा जो ब्रीदिंग सिस्टम है ऐसा खुला रहते सबके लिए, तो हवा आते आना जाना में पूरा इजी रहता है। अगर यही ये नली जो है अगर बंद हुआ तो ऐसा हो जाती, यहाँ आप लाल दिख रहे हैं, देख रहे हैं आप, ये इन्फ्लेमेशन बोलते हम, तो ज़ख़म है अंदर, ये नली के अंदर ज़ख़म है ये, और ये वाइट जो है म्यूकस है, वही बलगम है, ये बलगम है। अगर ये ऐसा हो गया तो ये बंद हो जाती, ये टाइट हो जाती है, ये जो है मसल्स, स्मूथ मसल्स बोलते हैं हम। सो जब क्या होता, सांस लेने में और छोड़ने में बहुत
तकलीफ हो जाती, तो इसको हम खांसी, बलगम, छाती ऐसा टाइट होना, और कुछ काम करे तो सांस फूलना, कुछ खाने के बाद कुछ भी हो, ठंडी पानी हो, चॉकलेट हो, आइसक्रीम हो, कुछ ठंडी हवा हो, होने के बाद ऐसा हो जाती। सो सांस लेने में तकलीफ हो जाती, डस्ट से हो सकता है और कूल आइटम से हो सकता है, चॉकलेट से, कूल ड्रिंक से, प्लेस चेंज हुआ तो हो सकता है। ऐसा जो नॉर्मल रहना है तो ऐसा होना जो है इसको हम आस्थमा कहते हैं। ये बच्चों में, बड़ों में, किसी में भी ऐसे ही हो जाती है। नाज़रीन, आपने सुना, डॉक्टर साहब ने काफ़ी तफसील से बहुत क्लियरली आपको समझा है कि आपकी सांस की नली में क्या होता है। यूजुअली जब आप सांस लेते हैं तो वो एयरवेज खुले होते हैं, आप जो सांस लेते हैं आपके लंग्स तक पहुंचते हैं। लेकिन अगर आस्थमा की शिकायत किसी को हो तो किस तरह का इन्फ्लेमेशन, मतलब किस तरह का ज़ख्म आ जाता है आपकी सांस की नली में, किस तरह से म्यूकस, जो बलगम हम कहते हैं, वो फॉर्म हो जाते हैं, और किस तरह से एक टाइटनेस जो आप महसूस करते हैं, डॉक्टर साहब ने एक इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए बहुत ही आसानी से आपको समझाया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये साफ साफ समझ में आ गया होगा। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इसका मेन कॉज क्या होता है? वैसे आपने अभी हमें बताया है कि सर्दी से हो सकता है, किसी को एलर्जी से हो सकता है, एनवायरनमेंट से हो सकता है, लेकिन मेन कॉज, ये जो टाइटनेस, ये इन्फ्लेमेशन आ जाता है, इसकी खास वजह क्या होती है? इसका बोलते हैं हम जीन्स है। अगर अच्छा, पेरेंट्स में, पेरेंट्स मदर और फादर में अगर ये जीन्स है, सर्दी, जुकाम, ये अगर ये शिकायत है पेरेंट्स में, बच्चों में आने का बहुत चांसेस है। अच्छा, तो यही समझो, एक हाथ जीन्स है, दूसरा हाथ है ट्रिगर है। इसको पोलन होता है, ये डस्ट हो सकते, ये धुआं हो सकते, कुछ भी, कूल ड्रिंक हो, आइसक्रीम हो, कुछ भी हो जी। ये दिस इज कॉल्ड ट्रिगर एंड दिस इज जीन्स, पेरेंट्स से जो आता है। अगर ये दो मिल गया तो एलर्जी, आस्थमा बोलते। सो वो लोगों को ऐसा हो जाते ये नली। अगर नली ऐसा हो गया, सांस लेने में और छोड़ने में बहुत तकलीफ होता, इतना तकलीफ होता, ये नींद भी नहीं आते जी। और स्कूल भी नहीं जा सकते बच्चे, और साइकिल भी नहीं चढ़ा सकते, वो साइकिल करना और सीढ़ियाँ चढ़ना पूरा तकलीफ हो जाए। कुछ भी काम करो ये सांस फूलता। ये अगर औरत है, ये घर की काम भी नहीं कर सकते, ज़्यादा तकलीफ हो जाती। इसीलिए ऐसा जो लोग ऐसा हो जाती, हम ऐसा करने के लिए, अब दवा है जी। तो ऐसा हो, ऐसा क्यों हो रहा? वो कुछ कुछ लोगों को डस्ट होता है, घर में पोल्यूशन होता है, धुआं होता है, अगरबत्ती लगाते हैं और सांबराणी लगाता है, कुछ कुछ परफ्यूम्स ज़्यादा लगाता है। परफ्यूम से मैं बोलना चाहता हूँ, परफ्यूम से ज़्यादा एलर्जी आस्थमा होता है। अच्छा। जिस घर में लोगों को ये सर्दी का शिकायत है, वो लोगों में ये परफ्यूम इस्तेमाल करने का मना है। और अगरबत्ती जो जलाते हैं उसको भी थोड़ा अवॉइड करना, नहीं तो क्या होता, ऐसा जो ओपन है, खुला है, उसको बंद कर सकते हैं। सो ऐसा भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, डॉक्टर साहब ने काफ़ी तफसील से हमें समझाया क्या वजह हो सकती है। कॉलर हमारे साथ हैं आज के प्रोग्राम के पहले कॉलर, देखते हैं इनको, इनका क्या सवाल है डॉक्टर साहब के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। दो महीने से मेरे दिल्ली में बंद आ रहा है, आवाज नहीं चल रही, डॉक्टर से मैंने ENT के टैबलेट वगैरह लिया जी, लेकिन और कोई एक्सपोज नहीं पड़ा, इसलिए डॉक्टर से कुछ मालूम करना। अच्छा, तो आपके गले में तकलीफ रहती है, सांस लेने में भी तकलीफ होती है आपको? नहीं, कभी कभी कुछ अटक गया जैसा दिखता। अच्छा, अब तो बिल्कुल आवाज में नहीं रही, आवाज के लिए मैं बहुत दवाया लिया, मेडिसिन बहुत लिया, डॉक्टर से लिए। आपको छींके वगैरह भी आती है, सर्दी जैसा महसूस करते हैं? बार बार सर्दी होती है। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 36 है। 36 से दो महीने से आप बता रहे हैं तकलीफ ज्यादा है आपको? दो महीने से बता रहा हूँ, पहले भी ऐसा आते जाते रहते। डॉक्टर गिरिधर रेड्डी को बता रहा हूँ। अच्छा, डॉक्टर साहब जानना चाहते हैं कि आपको पहले से भी इस तरह के अटैक्स आते जाते थे? नहीं नहीं, कभी नहीं आया, फर्स्ट टाइम आया। ये फर्स्ट टाइम ऐसा महसूस कर रहे हैं आप? ठीक है, कोई और सवाल आप उनसे करें? तो बोले तो क्या है, ये पहले भी अगर सर्दी आना जाना, अगर क्या एक्सपोज हुए, तो डस्ट को एक्सपोज हुए तो ज़्यादा हो रहा, कूल ड्रिंक पीने के बाद हो रहा, नहीं तो कुछ एक्सपोज होने के बाद हो रहा, वो देखना है जी। और ये आवाज़ पूरा बैठ जाती, जब एलर्जी होती, सर्दी हो जाती, आवाज़ बैठ जाती, तो उसमें कारण ऐसा हो सकती। अगर ये आदमी को सीढ़ियाँ चढ़ने में तकलीफ होना, अगर साइकिल चलाने में तकलीफ होना,
जल्दी जल्दी भागने में, सामान उठाने में अगर तकलीफ हुआ तो हम सोच सकते हैं उसको ऐसा हुआ होगा, तो इसलिए आवाज़ भी बैठ जाती। और कितना भी दवा इस्तेमाल करो, अगर सही दवा इस्तेमाल नहीं करें तो कभी भी कम नहीं होता। क्यों बोले तो ये एलर्जी आस्मा ऐसी बीमारी है, अगर ताला को सही चाबी लगाए तो भी खुल जाता जी। अगर ताला अलग है चाबी अलग है, जिंदगी में कभी भी नहीं खोलता वो। तो इसीलिए इसको अच्छा टेस्ट करके ये एलर्जी है आस्मा है और नॉर्मल सर्दी है वो देखना है, और उसको अगर हम सही दवा सही टेस्ट करके अगर ट्रीटमेंट करें तो इतना तकलीफ होने की जरूरत नहीं है जी। तो सही डायग्नोसिस करेक्ट डायग्नोसिस एंड करेक्ट मेडिसिन विल ट्रीट। आपने सुना डॉक्टर साहब का कहना यह है कि सही इलाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप एक बार डॉक्टर साहब से मिल लीजिए स्वासा हॉस्पिटल हिमायत नगर पर, डॉक्टर साहब आपको सही मशवरा दे सकते हैं। आपसे मिलने के बाद एक और कॉलर हमारे साथ ही इन्हें प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए जी। मेरी सास खाना खाते की रुकती और मेरे को डॉक्टर साहब बोले कि थायराइड है। अच्छा। और गले में तो अगर कुछ खाए तो सांस रुक जाती, और अगर लेटे तो सांस रुक जाती। तो और ये मुझे पूछना था थायराइड है तो क्या क्या नहीं खाना, नहीं आपको सांस लेने क्या क्या तकलीफ होता है जी, आप और बताइए। आपको नींद कैसा है, आपको नींद आना, आपको ठीक नींद आती है, आप कह रहे हैं कि सांस फूलती है जब भी आप खाना खाती हैं या लेती हैं। जी मैम, सांस ही मतलब सांस रुक जाती है, अगर खाना ज्यादा खा ली तो सांस रुक जाती है। अच्छा, आप सीढ़ियाँ वगैरह चलती है जब आपकी एक्टिविटीज डे टू डे एक्टिविटीज, बचपन से है ऐसा, इसमें भी सांस रुकती है आपको सीढ़ियाँ चढ़ने में कुछ और काम करने में? जी हाँ मैम सांस। अच्छा, ये कब से है आपको ये सांस फूलने की तकलीफ? मैम मेरे तो हाल में मालूम हुआ थायराइड है बोल के। नहीं, लेकिन आपको ये तकलीफ कब से महसूस करती हैं आप? फादर सिक्स मंथ से है आपको। फादर क्या एज है आपकी? मेरी 19 है। 19। आपके पेरेंट्स में किसी को, आपकी वालदा को या आपके फादर को किसी को ये सर्दी नहीं है, आस्मा या कोई? चाहिए। अच्छा, आप ही को है ये प्रॉब्लम, ठीक है। कोई और मेन कंप्लेंट इज? अच्छा, आपका मेन, आपने कहा कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि आपकी सांस रुक जाती है ज्यादा से ज्यादा कोई भी एक्टिविटी में, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एक्सरसाइज इंड्यूस्ड आस्मा बोलते हैं जी। कुछ भी ये काम करने के बाद, कुछ भी हो, सीढ़ियाँ चढ़ना हो, मैं पहले बोला वैसा, कुछ भी काम हो करने के बाद अगर हमको सांस फूलना, ये इसमें अगर हमको ऐसा महसूस होता है मेरे को सांस रुक जा रही जी, ये काम करने के बाद अगर ऐसा है तो वी हैव टू सस्पेक्ट दी एलर्जी आस्थमा। और उसको सर्दी बार बार होना, जुकाम होना ऐसा। और पेरेंट्स में, फादर नहीं तो मदर में किसको ज़्यादा सर्दी हो रहा वो मालूम करना। दोनों को नहीं होता मगर किसी को ज़्यादा कंप्लेंट है वो मालूम करना। तो कूल ड्रिंक पिए तो कैसा रहता, डस्ट में काम करे तो कैसा रहता, अगर धुआं एक्सपोज हुए तो कैसा रहता, अगर वेदर चेंज हुआ, मौसम चेंज हुआ वो कैसा रहता। सो अगर जल्दी जल्दी भागे तो, जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़े तो कैसा रहता, अगर प्रॉब्लम है तो समझो ऐसा हो गया है। तो उसको ये खाने के बाद तकलीफ हो सकता है, पानी पीने के बाद भी तकलीफ हो सकता है, कुछ भी काम करो तकलीफ है। सो फॉर दैट वी हैव टू मेक द लंग्स लाइक दिस, ऐसा करने का जरूरत है जी। मगर पहली बात ये है, ये बार बार होना, कुछ चीज नहीं बनना, कुछ काम करने के बाद सांस फूलना, पेरेंट्स में, मदर या फादर में किसी को, नहीं तो रिलेटिव्स में, डिस्टेंट रिलेटिव्स में, ब्लड रिलेटिव्स में अगर छींका है, सर्दी है, साइनस है, नहीं तो टॉन्सिल है, एडिनोइड्स है, ब्रोंकाइटिस है, ये इस्नोफिलिया बोलते लोग, इसको बहुत नाम है एलर्जी आस्मा को जी। कुछ लोग सर्दी बोलते, साइनस बोलते, नहीं तो टॉन्सिल बोलते, मेरे को ब्रोंकाइटिस है बोलते, कुछ लोग न्यूमोनिया बोलते, कुछ लोग इस्नोफिलिया बोलते, बहुत नाम है इसको। इसीलिए वट एवर द प्रॉब्लम, ये काम करने, कुछ भी काम करो तकलीफ है नहीं है जी। कुछ चीज बन रहा नहीं बन रहा, ये दोनों चीज याद रखना जी। आपने सुना डॉक्टर साहब ने तफसील से आपके सवाल का जवाब दिया। जहां तक थायराइड का सवाल है, मेरे ख्याल से भी डॉक्टर साहब ने ये बताया कि कोई आपकी फैमिली में जिस तरह की कैफियत आप बता रहे हैं, एलर्जिक आस्थमा होने की भी पॉसिबिलिटीज है, तो आप डॉक्टर साहब से पर्सनली मिल लीजिए, पूरी तरह से डायग्नोस वो करेंगे तो आपको बेहतर मशवरा दे सकते हैं। स्वासा हॉस्पिटल लिबर्टी सेंटर हिमायत नगर पर डॉक्टर साहब का क्लिनिक है। एक और कॉलर हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी।
मेरी शादी हो गई 2 साल हुआ है जी, दो साल से बच्चे नहीं है, तो क्या करना? मैं माफ़ी चाहती हूँ, आज हमारे साथ एक एलर्जी और आस्थमा स्पेशलिस्ट है, आपको कोई और प्रोग्राम में कॉल करना होगा। आज के प्रोग्राम में मैं आपका कॉल शामिल नहीं कर पाऊंगी। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है, आप ये जो आज हमारे साथ डॉक्टर साहब आए हैं, आप पूरी तरह से फायदा उठाइए। आप आस्थमा और एलर्जी के बारे में जो भी आपके सवाल है, डाउट्स है, कुछ क्लैरिफाई करना चाहते हैं, सांस की तकलीफ, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उससे रिलेटेड आप हमें कॉल कीजिए, ताकि डॉक्टर साहब आपको अच्छे से जानकारी दे सके। स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर साहब, नेशनल अवार्ड विनर भी है एलर्जीज और आस्थमा में, तो टॉपिक से रिलेटेड अगर आप कॉल करेंगे तो बेहतर होगा, हम आपको बेहतर जानकारी दे सकते हैं, वरना मैं आपकी कॉल प्रोग्राम में शामिल नहीं कर पाऊंगी। डॉक्टर साहब ये बताइए, जैसे अभी आपने जिक्र किया एलर्जीज और आस्थमा के बारे में, तो मेन डिफरेंस क्या है, कैसे लोगों को पता चले कि उन्हें आस्थमा की प्रॉब्लम है या उन्हें एलर्जी है, क्या साइंस और सिम्टम्स होने चाहिए? ये एलर्जी बोले तो एलर्जी जो प्रॉब्लम है बॉडी का नेचर है जी। एलर्जी आंखों में रह सकते हैं तो हम ऐसा करते रहते मलते रहते हैं, और नाक में रहते तो छींका आते और पानी आते रहते, और कुछ लोगों को ईयर्स में भी रहते, कुछ लोगों गले में ऐसा करते रहते, कुछ लोगों को स्किन में रहते, स्किन प्रॉब्लम एक्जिमा बोलते हम, और कुछ लोगों को लंग्स में रहते, यही एलर्जी। अगर यही एलर्जी लंग्स में है उसको आस्थमा बोलते हैं। अच्छा। अगर यही एलर्जी यहाँ है अलग नाम है, यही एलर्जी आंखों में है अलग नाम है, यही एलर्जी स्किन में है अलग नाम है, यही एलर्जी लंग्स में है आस्थमा है। अच्छा। सो एलर्जी, सो आस्थमा इज पार्ट ऑफ एलर्जी। एलर्जी यहाँ शुरू होता और यहाँ एंड होता लंग्स में। सो शुरुआत जो है नाक में है और जो एंड है लंग्स में हो जाती, तो इसीलिए सब मेरे को एलर्जी है। एलर्जी में साइनस भी रहते। सही है। सो पूरा एलर्जी, एलर्जी बोले तो कुछ चीज नहीं बनना, वो नहीं बनते वो लोगों को, डस्ट हो, नहीं तो कूल ड्रिंक्स हो, कुछ खाना हो, कुछ नट्स हो, और कुछ चीज लगे तो कुछ लोगों को केमिकल्स लगना, कुछ लोगों को इवन परफ्यूम्स, इवन व्हाटएवर कॉस्मेटिक्स, समथिंग विल नॉट सूटेबल फॉर देम, उसको एलर्जी बोलते हैं। एलर्जी का जो फाइनल रिजल्ट लंग में आता है उसको आस्थमा बोलते हैं, बस इतना ही। डॉक्टर साहब ने काफी तफसील से समझाया है डिफरेंस जो आस्थमा और एलर्जी में है। एक और कॉलर हमारे साथ ही इन्हीं प्रोग्राम में शामिल करेंगे, उम्मीद करती हूँ हमारे टॉपिक से रिलेटेड सवाल हमसे करें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। मैम सलमा बात कर रही हूँ। जी सलमा जी, क्या सवाल है? मैम मेरे को हमेशा बचपन से सर्दी होती रहती और सांस, जब भी सर्दी होती सांस रुक जाती सीने में। अच्छा। और नाक बंद हो जाती, बलगम का बेइंतहा ही आता। जी क्या दवा ले रहे हैं आप? कुछ मेडिकेशन लिए, कोई दवाई लिए आप इसके लिए, कोई इलाज चल रहा है आपका? जब भी सर्दी होती मैं दवाएं लेती हूँ, कम हो जाता, फिर जरा भी सर्दी में काम करती फिर सर्दी, या मौसम वेदर चेंज होते फिर सर्दी वाली। रात में नींद भी? अच्छा, आपको रात में नींद सही आती है, जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब। नींद में भी आप सांस डिस्टरबेंस, आपकी नींद में डिस्टरबेंस रहता है, आप आराम से सो पाती हैं? नहीं, नींद भी नहीं आती मेरे को, जब भी सर्दी होती नींद में भी बहुत तकलीफ होती। क्या उम्र है सलमा जी आपकी? जी मैम। आपकी उम्र क्या होगी? मैम एज आपकी? 30 ईयर्स। और आप कह रही हैं आपको बचपन से ये तकलीफ है? जी ठीक है, चलिए डॉक्टर साहब से जानेंगे वो क्या इलाज सजेस्ट करते हैं आपकी। मेरे को ये बलगम क्यों आता बार बार सर्दी हुई तो, ठीक है, बहुत तकलीफ होती मैम। नहीं हम समझ, मौसम्बी वगैरह कुछ भी नहीं खा सकती मैं। हम समझ सकते हैं, इंशाल्लाह डॉक्टर साहब आपको जरूर कोई इलाज बताएंगे, उससे आपको फायदा होगा। जी जरूर तफसील से जवाब देंगे, शुक्रिया आपका। दिस इज द क्लासिकल केस ऑफ एलर्जी एंड आस्थमा, तो इसको मैं बोला ना, तो इसको बिल्कुल ऐसी है, यही है बलगम। वो बोल रही है कहाँ से आता इतना बलगम, ये 24 आवर्स बलगम आते रहते, कुछ मशीन है अंदर, कुछ फैक्ट्री है, ऐसा सोचते लोग, कुछ फैक्ट्री है, ये कहाँ से आ रहा है इतना बलगम? बोलो तो इन्फ्लेमेशन बोलते, जख्म है जी। अगर ये जख्म है, ये जख्म को एलर्जिक इन्फ्लेमेशन बोलते हम। ये जख्म क्यों हुआ? ये नली के अंदर एलर्जी से हुआ। एलर्जी पोलन हो सकते, कुछ खाने की हो सकते, कुछ मौसम से हो सकते, कुछ भी हो सकते। सो और पेरेंट्स में भी हो सकते। इसका मदर और फादर में एक आदमी को सर्दी जरूर होता, वो जीन्स है और ट्रिगर है, ट्रिगर से एलर्जिक इन्फ्लेमेशन है। इससे क्या होता है, बार बार ये बलगम आते रहते, कुछ भी काम करो उसको इतना सांस फूलती, कुछ भी नहीं कर सकते। बच्चों को 30 ईयर से बच्चों होंगे, तो अगर बच्चों को स्कूल को भी जाना है
जल्दी जल्दी काम करे तो वो लोगों को ये पालन, ये बच्चे बोलते ये क्या लेट क्या है, मैं जाना है, अगर ये काम करे तो इसको सांस फूलता है, तो दैट इज व्हाट शी इज सफरिंग रियली। मेरे को इतना प्रॉब्लम है बोल रहे, यही है ये आदमी ऐसा सोचते, अगर ऐसा है तो ये क्या जिंदगी है, ये जिंदगी को कैसा गुजारूं मैं क्या करूं, ये कितना डॉक्टर के पास जाऊं मैं, कितना डॉक्टर के पास भी जाओ अगर सही चाबी नहीं दिए तो ताला नहीं खुलते, यही है मेरा कभी भी। तो ये क्या हो रहा है इसको, इसको अभी तक सही चाबी नहीं लगाए, चाबी बोले तो यही है मेडिसिन है, सही चाबी कैसा सेलेक्ट करना, पूरा टेस्ट करके क्या बीमारी है, एलर्जी आस्थमा क्या स्टेज पे है, चार स्टेज में रहता है वो, माइल्ड माइल्ड परसिस्टेंट मॉडरेट एंड सीवियर, ऐसा ये स्टेजेस में रहता है। अगर पहली स्टेज है, अगर चार स्टेज है उसको पहली स्टेज का चाबी लगाओ नहीं आता, तो इसलिए व्हाट इज द स्टेज ऑफ द डिजीज एंड डोज ऑफ द मेडिसिन करेक्ट वो मैच होना चाहिए। जब ऐसा हो जाता इसका तकलीफ दूर हो जाएगा, मगर जब तक इसको सही डॉक्टर नहीं मिलते, सही मेडिसिन नहीं मिलते, ये जिंदगी भर ऐसा ये सर्दी होते रहते, बलगम आते रहते, और फैमिली में डिस्टर्बेंस भी होते, हस्बैंड बोलते ये क्या है, ये बार बार तेरे को सर्दी, ये क्यों हो रहा है ऐसा, ये बलगम क्यों आ रहा है ऐसा, ऐसा बोलते, ये क्या जवाब दे सकते, मेरे को क्या मालूम बोलते। तो इसीलिए कोई भी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, सो अच्छा दवा है, वो दवा क्या है, इनहेलर्स है, वो ऐसा कर सकते हैं हम। शर्मा जी आपने सुना, डॉक्टर साहब ने काफी तफसील से आपके सवाल का जवाब दिया है, डॉक्टर साहब पूरी तरह से समझ सकते हैं आपकी कैफियत जो आपने अभी बयान की है, लेकिन इसके लिए सही इलाज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर साहब बार बार इस बात पर स्ट्रेस दे रहे हैं, आप स्वासा हॉस्पिटल लिबर्टी सेंटर हिमायत नगर पर डॉक्टर साहब से मिल लीजिए, आपके टीवी स्क्रीन पर उनके नंबर दिए जा रहे हैं, आप कॉन्टेक्ट करके अपॉइंटमेंट लीजिए, आप मिलिए, इंशाल्लाह आपकी जो प्रॉब्लम है सालों की वो सॉल्व हो जाएगी। एक और कॉलर हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। मेरा नाम शाहीन है, मैं आपकी तरफ से बात कर रही हूँ। जी शाहीन जी, मेरी प्रॉब्लम ये है, मैं थोड़ा सोप यूज करके आ गई, मैं वो ठीक आ गई। अच्छा। और इसमें तकरीबन 2-3 घंटे तक वो रुकती नहीं। अच्छा। इसमें मेरी सांस रुक जाती और नाक में से पानी चले जाता, आँख इतने गुदगुदाते रहते, आँख मोटे मोटे हो जाते, आँख में से पानी जाता जी, गले में खराश पैदा होती, ठीक है रुकती ही नहीं। अच्छा। और मेरे ना मदर को है ये शिकायत, ना फादर को है। अच्छा। मेरे को ये तकरीबन 3-4 ईयर से है। अच्छा। कई दवा इस्तेमाल करी, वो दवा इस्तेमाल करते ही थोड़ा कम हो जाता, फिर से स्टार्ट हो जाता। आपकी क्या एज है शाइन जी? मेरी 31 रनिंग है। 31 रनिंग चल रही है। और आपकी फैमिली में आपका कहना है कि आपके पेरेंट्स को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई शिकायत नहीं है। अच्छा, ये आपको कब से शुरू हुई है ये प्रॉब्लम? 3-4 ईयर हो गया। 3-4 ईयर्स। एनी चिल्ड्रन? अच्छा, आपके कोई बच्चे है? नहीं, मेरे अच्छा, आप सिंगल हैं अभी। ठीक है, चलिए अभी शाहीन जी आपके सवाल का जवाब देंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल। जी जरूर बताएंगे इंशाल्लाह। तो वो यही बोल रहा है, उसको नाक में पानी आते रहते, जब उठते हैं सो के तो अचानक 2 घंटे छींकें आती हैं, छींकें इतना छींक आते हैं कुछ लोगों को, 100-1000 रोज में इतना छींक है। छींक बोले तो कुछ लोगों के लिए हंसी आ सकते, मगर ये लोगों के लिए वो नरक है वो जी। तो इतना छींक आते, छींक छींक के बेजार हो जाती उसको, कुछ लोग ऐसा छींक आते ये जिंदगी बर्बाद है, ये क्या छींक है ऐसा, अगर कुछ दूसरा वाला सुने तो क्या सोचेगा। सो ऐसा ये सोशल प्रॉब्लम भी है और ये मेंटल भी ऐसा कर सकते, इसको डिस्टर्बेंस कर सकते और उसको काम भी अच्छा नहीं कर सकते और जिंदगी में उसको ये वैक्स हो जाते हैं लोग, क्या है ऐसा। तो एलर्जी इज द प्रॉब्लम विच इज अ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम, कुछ लोगों को जिंदगी भर रहता है। अगर सही इलाज लिए तो ये एलर्जी को आराम से जिंदगी गुजार सकते, यही बात है। अगर सही इलाज नहीं मिला पूरा जिंदगी ये लोगों के लिए ये हो जाती, डिस्टर्बेंस हो जाती, अगर सही इलाज लिए तो अच्छा हो जाती। सो इसको एलर्जी बहुत है, नाक में ये है, नाक में अभी नेसल स्प्रेस भी है, इन्फ्लेमेशन नाक में है, बोले ना मैं ये जख्म जो है नाक में है इसको ज्यादा, इसीलिए वो पानी आते रहते, जब तक ये इन्फ्लेमेशन वहां रहते तब तक ये पानी आते रहते। तो ये इन्फ्लेमेशन जो है इसको इलाज अगर हम यही दिए तो ऐसा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा।
अगर नॉर्मल यहाँ होते यहाँ भी नॉर्मल हो जाएगा, सांस भी आराम से जाएगा, नहीं तो क्या होता बार बार ऐसा छींक आना। तो ऐसा जो लोग हैं ऐसा करना ट्रीटमेंट है, ऐसा होने के बाद ऐसा नहीं होने देना, ये प्रिवेंशन है, ये ज्यादा प्रिवेंशन है। और ऐसा क्यों होते हैं, वो ट्रिगर्स रहते हैं। अगर घर में धुआं है और स्प्रे मारते रहते, कुछ डस्ट है, कुछ अगरबत्ती लगाते, कुछ भी हो, सो कॉस्मेटिक्स भी ऐसा हो जाती। इसीलिए पहले एलर्जी में ट्रीटमेंट है किस चीज से ये प्रॉब्लम ज्यादा हो रहे। अगर आप क्लीन करें तो डस्ट आता है उससे ज्यादा होते। कुछ लोग राइस पकाने के लिए राइस लेते हैं, उसको थोड़ा ऐसा ऐसा करें तो वो राइस डस्ट आता है, उससे भी हो सकते हैं। इसीलिए जब आप क्लीन करता है घर को, थोड़ा कर्चीफ नहीं तो कुछ कपड़ा से कवर करना और क्लीन करना। और जब आप वो पकाते टाइम पे किचन में जब आप ये तेल में कुछ डालते हैं तो पूरा ऐसा आ जाती धुआं, वो धुआं से और ज्यादा हो जाती। इसीलिए यू हैव टू कवर द नोस। सो वैसा हो इसको प्रॉब्लम जो है एलर्जी है, मेरे ख्याल से आस्मा भी रहेगा इसको जी। तो सही डॉक्टर को मिलके सही इलाज लिए तो जिंदगी आराम से गुजार सकते हैं। सो नेसल स्प्रेस है इसके लिए, इनहेलर्स है, मॉडर्न ट्रीटमेंट है वो हम बोलेंगे तो वो लिए तो आराम से वो जिंदगी गुजर जाएगी। शाहिन जी उम्मीद करती हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। काफ़ी साल से आप इस तकलीफ में मुब्तला हैं, आप डॉक्टर साहब से मिलिए क्योंकि डॉक्टर साहब स्पेशलाइज्ड करते हैं एलर्जीज और आस्थमा में। डॉक्टर साहब नेशनल अवार्ड विनर भी हैं। तो आप स्वासा हॉस्पिटल लिबर्टी सेंटर हिमायत नगर पर टीवी स्क्रीन पर आपके नंबर दिए जा रहे हैं, आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए क्योंकि काफ़ी साल से आप इस तकलीफ में मुब्तला है। इंशाल्लाह डॉक्टर साहब आपको सही मशवरा और ट्रीटमेंट देंगे। एक और कॉलर हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, हेलो जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ताड़बल से बात कर रही हूँ जी। जी मेरी लड़की के बारे में बात करना था। फरमाइए जी। वो 14 साल की रनिंग में है लेकिन उसको हमेशा सर्दी रहती है। अच्छा, कह रहे थे हमेशा सर्दी रहती है। हमेशा सर्दी रहती है, अक्सर नाक बंद रहती है उसकी सर्दी की वजह से। अच्छा जी, ठीक है। तो उसको अगर जल्दी जल्दी भागे तो अच्छा। क्या उसकी सांस वगैरह भी फूलती है जब वो कुछ काम करती है, सीढ़ियाँ चढ़ती है? हाँ, नहीं, थोड़ा थोड़ा लाइट हल्की सांस, सीढ़ियाँ है वो जब झाड़ू लगाती है तो आती है ना ऊपर, तो थोड़ा सांस हल्का सा फूलती है। अच्छा, और ये कब से है इनको? आप कह रही है 14 साल की है तो अभी कितना अरसा हुआ है ये प्रॉब्लम को? एक साल डेढ़ साल से या दो साल से चल रही है ये तकलीफ। तो उनको काफी छींके वगैरह आती है, नींद कैसी आती है? नहीं नहीं, ठीक नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह खाते पीते हर चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या है कि एक तरह सर्दी हमेशा ना जुकाम रहता है। अच्छा, आपने कोई ट्रीटमेंट लिया, आप डॉक्टर से मिली है क्या ट्रीटमेंट? तो अब तक तो नहीं लिए, नॉर्मल हो रही है। मैंने अब जब टीवी पे स्क्रीन पे देखी तो मैं बोली शायद चलो पूछ लेंगे मशवरा। तो बहुत अच्छा किया आपने कॉल किया, आपके सवाल का जवाब हम जरूर देंगे लेकिन आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। प्रोग्राम में अभी ब्रेक का वक्त हुआ, इंशाल्लाह ब्रेक से लौटने के बाद तफसील से डॉक्टर साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नाज़रीन आप कहीं मत जाइएगा, डॉक्टर साहब काफी इन्फॉर्मेशन हमें दे रहे हैं आस्थमा और एलर्जी से रिलेटेड। अभी हम लौट के आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।